हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। नामांकन के दूसरे दिन भी नहीं खुला खाता, अब सोमवार को ही संभावना। प्रेक्षक का पहुंचना शुरू, वह प्रेक्षक ने किया विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र का दौरा। दुर्गा पूजा में कहीं सार्वजनिक जगहों पर प्रतिमा नहीं बैठेगी, न लगेगा पंडाल, न बजेगा बाजा। कोविड 19 के तहत सरकार और निर्वाचन आयोग का गाइडलाइन का पूरा पालन करने का निर्देश। जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने पूजा समिति सदस्यों के साथ की बैठक। और इस बार पुनः बहादुरपुर से मैदान में उतरेंगे निवर्तमान मंत्री मदन सहनी, टिकट लेकर लौटे कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ रीढ़ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरिया सराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। विधानसभा चुनाव नामांकन कार्य के दूसरे दिन 10 अक्टूबर शनिवार को भी नहीं खुला कहीं का खाता, और रविवार को अवकाश रहेगा। देखना है सोमवार को कितने प्रत्याशी नामांकन करते हैं। दरभंगा जिले में 10 विधानसभा क्षेत्र है और दो चरण में यहाँ मतदान होना है। दूसरे चरण का मतदान शुरू है। 9 से 16 अक्टूबर तक नामांकन किए जा सकेंगे सार्वजनिक अवकाश और रविवार को छोड़कर। और जो तीसरे चरण का मतदान होगा वह वोट उसका गिरेगा 7 नवंबर को, लेकिन जो नामांकन प्रक्रिया है वह 13 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक प्रारंभ होगा। लेकिन 5 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण के 2 दिन तक कोई नामांकन नहीं हुआ, रविवार अवकाश का दिन है। ऐसे में अब सोमवार को ही पता चलेगा कि खाता कहां कहां खुला, किस विधानसभा क्षेत्र में। हालांकि 16 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल करने की तिथि है। कितने तारीख तक यहां नामांकन होगा? 16 तारीख से नामांकन होगा। 9 तारीख से नोटिफिकेशन है, 16 तारीख से है। और ये जो नामांकन की जो प्रक्रिया है, कितने बजे से कितने बजे तक नामांकन करवाएं? तो क्या अभी तक एक भी नामांकन हो पाया है? अभी तक तो नहीं हुआ है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो गाइडलाइंस कोविड के 19 के अंतर्गत दिया गया उसका अक्षरशः अनुपालन होगा। और खासकर अंतिम दिन जो नाम निर्देशन पत्र दाखिल होगा उसके लिए माइकिंग होगा लास्ट 1 आवर में, और नॉन एडिटेबल वीडियो रिकॉर्डिंग उसकी की जाएगी। साथ ही जो भी कैंडिडेट यहाँ नाम निर्देशन पत्र दाखिल करेंगे उसके लिए हम लोगों ने एक चेकलिस्ट बनाया है, सो दैट कि उसका हम लोग पॉइंट जो है कॉलम वाइज उसको वेरीफाई करेंगे, कोई त्रुटि ना रहे, ताकि किसी भी कैंडिडेट को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। विधानसभा निर्वाचन में नामांकन भले न हुआ हो, लेकिन वह प्रेक्षक द्वारा कुशेश्वर स्थान, गौरा बराम, बेनीपुर, दरभंगा ग्रामीण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का भ्रमण किया। विधानसभा आम निर्वाचन के लिए सभी 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए नियुक्त व्यय प्रेक्षक एन अशोक ने कुशेश्वर स्थान, गौरा बराम, बेनीपुर एवं दरभंगा ग्रामीण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान उन्होंने कई जगह तैनात SST एवं भ्रमणशील FST के पास रुककर उनके कार्यों का जायजा लिया। भ्रमण के दौरान बिरौल के समीप लगाए गए नाका के समीप रुककर वहां कार्यरत SST को उन्होंने निर्देश दिया कि वाहन चेकिंग के दौरान खासकर दोपहिया वाहन का डिक्की एवं चार पहिया वाहन का बोनट एवं खिड़की खोलकर जांच की जाए। इसके उपरांत कुशेश्वर स्थान पूर्वी के प्रखंड कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में करवाए जा रहे वाहन चेकिंग एवं FST के कार्यों की समीक्षा की। प्रखंड विकास पदाधिकारी से कहा कि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर दियारा क्षेत्र में लगातार जांच कराई जाए।
जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एस एम के आदेश के आलोक में बिहार विधानसभा निर्वाचन को लेकर कोविड 19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले के मास चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। 37,69,000 रुपए की वसूली दंड के रूप में की गई। जिला दंडाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के आदेश के आलोक में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन को लेकर कोविड 19 के संक्रमण को रोकथाम के लिए मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। मास्क चेकिंग अभियान के दौरान 37,69,000 रुपए की वसूली की गई। चेकिंग अभियान में दरभंगा शहरी क्षेत्र से 2,566 लोगों से 1,32,800 रुपए जुर्माना की वसूली की गई। वहीं परिवहन विभाग द्वारा 152 वाहनों को मास्क लगाकर नहीं चलने, सरकार के आदेश का अनुपालन नहीं करने के लिए 1,76,100 रुपए का जुर्माना किया गया। सदर अनुमंडल क्षेत्र में कुल 27,381 लोगों को मास्क नहीं पहनने के लिए जुर्माना किया गया और बतौर 13,69,350 रुपए की वसूली की गई। बेनीपुर अनुमंडल क्षेत्र में 9,252 लोगों से मास्क नहीं पहनने के लिए 8,78,600 रुपए जुर्माना की वसूली की गई। बिरौल अनुमंडल क्षेत्र में 8,100 लोगों से 12,12,800 रुपए की वसूली की गई। इसी प्रकार 47,451 लोगों को मास्क नहीं पहनने के लिए 37,69,650 रुपए का जुर्माना किया गया। सदर क्षेत्र के 25, बेनीपुर अनुमंडल क्षेत्र के 16, कुल 41 दुकानों प्रतिष्ठानों को दुकानदार या ग्राहकों द्वारा मास्क नहीं पहनने या सामाजिक दूरी का अनुपालन नहीं करने के लिए सील किया गया। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि 31 अक्टूबर तक विस्तारित किया गया। बाकी सभी निर्देश पूर्ववत रहेंगे। सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सभाओं के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी किया गया, इसके लिए गाइडलाइन। गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा कोविड 19 का प्रसार रोकने हेतु 31 सितंबर के माध्यम से रीओपनिंग के दिशा निर्देश निर्गत करते हुए कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि को 31 अक्टूबर तक विस्तारित किया गया है। शेष सभी आदेश वैसे ही रहेंगे। हालांकि सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों या अन्य सभाओं को विनियमित करने हेतु निम्न मानक संचालन प्रक्रिया जारी किया गया है। यदि कार्यक्रम सभा का आयोजन बंद स्थल में किया जा रहा है तो अधिकतम 200 व्यक्तियों की अंतिम सीमा के साथ हॉल की क्षमता के 50% उपस्थिति की अनुमति रहेगी। बंद स्थल में एयर कंडीशनिंग उपकरणों की उपलब्धता की स्थिति में उनकी तापमान टेस्टिंग 24 से 30 डिग्री सेल्सियस की सीमा में होनी चाहिए। यदि एयर कंडीशन उपलब्ध न हो तो ताजी हवा का आवागमन जितना संभव हो उतना सुलभ किया जाना चाहिए और क्रॉस वेंटिलेशन की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। यदि कार्यक्रम सभा का आयोजन खुले स्थल में किया जा रहा है तो जिला प्रशासन सक्षम प्राधिकार मैदान अथवा सभा स्थल के आकार को ध्यान में रखते हुए समुचित संख्या में लोगों की उपस्थिति की अनुमति प्रदान करेंगे। कार्यक्रम सभा में बैठने या खड़े रहने की व्यवस्था इस तरह से की जाए ताकि पर्याप्त सामाजिक दूरी बनी रहे। कार्यक्रम सभा में शामिल सभी व्यक्ति आपस में कम 6 फीट की दूरी बनाए रखेंगे। कार्यक्रम सभा में शामिल सभी व्यक्ति अनिवार्य रूप से फेस कवर मास्क का उपयोग करेंगे। प्रवेश के समय हाथ में सैनिटाइजर से सैनिटाइज करने अथवा धोने अथवा थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कक्ष में अथवा कार्यक्रम में उपस्थित सभी व्यक्ति खांसते छींकते समय टिश्यू पेपर, रुमाल, मुड़ी हुई कोहनी का प्रयोग करेंगे। कार्यक्रम सभा के आयोजक सुनिश्चित करेंगे कि प्रयुक्त टिश्यू पेपर का ठीक से निपटारा किया जाए। कार्यक्रम सभा स्थल के रूप में प्रयुक्त परिसर मैदान में अक्सर स्पर्श की जाने वाली सतहों जैसे दरवाजे का हैंडल, माइक, कुर्सी, टेबल, नल, रेलिंग, बैरिकेटिंग को समय समय पर साफ एवं प्रभावी कीटनाशकों को विसंक्रमित किया जाएगा। कार्यक्रम सभा में यत्र तत्र थूकना सर्वथा वर्जित होगा। कार्यक्रम सभा हेतु तो प्रयुक्त पार्किंग स्थल एवं परिसर के बाहर समुचित भीड़ प्रबंधन में विधिवत सामाजिक दूरी के मानदंडों को सुनिश्चित किया जाएगा। कार्यक्रम सभा में कोविड 19 बीमारी के लक्षणों से रहित व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।
कार्यक्रम सभा में शामिल व्यक्ति एक दूसरे से मिलते समय परस्पर शारीरिक संपर्क वाले अभिवादन, हाथ मिलाना, गले मिलना आदि से बचेंगे ताकि पारस्परिक दूरी बनी रहे। कार्यक्रम सभा के आयोजक आगंतुकों द्वारा छोड़े गए मास्क, फेस कवर, दस्ताने के समुचित निपटाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। कार्यक्रम सभा में शामिल सभी व्यक्तियों को आरोग्य सेतु ऐप का प्रयोग करने की सलाह दी गई है। सामाजिक दूरी के अनुपालन के लिए सक्षम मजिस्ट्रेट के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश निर्गत किया जाएगा। कार्यक्रम सभा के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। सक्षम प्राधिकार के पूर्वानुमति प्राप्त कर किसी प्रकार के कार्यक्रम सभा का आयोजन किया जा सकता है। यदि किसी कार्यक्रम आयोजन के संबंध में विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं तो विशेष दिशा निर्देश की अधिमान्यता इस मानक संचालन प्रक्रिया के ऊपर होगी। वैश्विक महामारी कोविड-19 बिहार विधानसभा निर्वाचन के बीच गाइडलाइन के अनुसार ही दुर्गा पूजा आयोजित किया जाएगा। इस संदर्भ में 8 अक्टूबर को राज्य सरकार ने निर्वाचन आयोग की सहमति से विशेष रूप से गाइडलाइन जारी कर दिया है और इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने दुर्गा पूजा समिति और शांति समिति सदस्यों के साथ बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी परिस्थिति में कोविड-19 और आचार संहिता का पालन करना। दुर्गा पूजा आयोजन कैसे होगा, गाइडलाइन थोड़ा देर से आया जिसमें 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक पूजा का कार्यक्रम है। इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम सहित सभी संबंधित थाना प्रभारियों के साथ दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष सचिव के साथ बैठक हुई और शनिवार को बैठक में राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग के आदेश का 100% पालन करने का जिला पदाधिकारी ने प्रारंभ में आग्रह किया। कई समितियों ने कहा कि देरी हो गई है। इस पर जिला पदाधिकारी ने कहा कि जब गाइडलाइन आया और एक दिन बाद ही आप लोगों के साथ बैठक कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि कहीं पर भी सार्वजनिक स्थानों पर मूर्तियां नहीं बैठेगी, पंडाल नहीं लगेगा, मंदिर और घरों में पूजा होगी, बाजा नहीं बजेगा, कोई जुलूस, विसर्जन जुलूस या कलश शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। जहां मूर्तियां बन गई है सार्वजनिक जगहों पर, उन्होंने सुझाव दिया कि इसे बगल के किसी भी मंदिर में जहां लोगों को सुविधा हो वे शिफ्ट कर दें। इस संदर्भ में 5 जगहों पर, सार्वजनिक जगहों पर शहर में पूजा पर कई लोगों ने प्रश्न किया, जिस पर उन्होंने कहा कि जो गाइडलाइन है उसका 100% पालन हमारा और आपका करना कर्तव्य फर्ज है। उन्होंने कहा कि यह कोरोना काल है, 102 वर्ष के बाद यह वैश्विक महामारी है जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है, ऐसे में जान बचाना सबसे अहम कर्तव्य है। कई सदस्यों ने सवाल उठाया कि चुनाव हो सकते हैं, भीड़ हो सकती है तो ये क्यों नहीं। इस पर उन्होंने कहा कि यह जहां गलत हो रहा है वहां कार्रवाई होगी, पूजा उसी नियम अनुरूप होंगे। उन्होंने कहा कि रामनवमी हो, गणेश पूजा हो, मुहर्रम हो या फिर ईद हो या उसके बाद अन्य कोई पर्व हो, सभी को लोगों ने घर में ही मनाया है और ऐसी परिस्थिति में ये अहम जिम्मेवारी है। पूजा समिति के सदस्यों ने कहा कि 25 अक्टूबर को विजयादशमी दिखाया गया है लेकिन मिथिला पंचांग में 26 अक्टूबर है। ऐसी परिस्थिति में जिला पदाधिकारी ने कहा कि इस संदर्भ में वे राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को अवगत कराएंगे और मिथिला पंचांग के अनुसार ही ये संशोधन के लिए आग्रह करेंगे। सिवाय इस संशोधन के सभी संशोधनों पर कोई उन्होंने अलग से आदेश नहीं दिया और कहा कि पूरे बिहार के लिए गाइडलाइन है। पश्चिम बंगाल, कलकत्ता और उड़ीसा ऐसी जगहों पर भी पूजा का आयोजन नहीं हो रहा है। किसी भी प्रकार का मेला नहीं लगेगा, कहीं भी भीड़ नहीं जुटेगी। कोई भी सार्वजनिक जगहों पर जहां मूर्तियां बैठी है वहां से आप उसे शिफ्ट कर दें और अगर जहां मंदिर है वहां मूर्तियों के ऊपर ही पंडाल लगेगा, बाहर में पंडाल नहीं लगेगा। बैठक में सभी थाना प्रभारी, विभिन्न पूजा समिति के लोग, दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष, सचिव मौजूद रहे। अब बात करते हैं राजनीति की। बिहार सरकार के निवर्तमान मंत्री मदन सहनी गौड़ा बोराम से नहीं अब बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र से लड़ेंगे। सिंबल लेकर वे लौटे और कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। राजनीति में पार्टी भी बदलती है, क्षेत्र भी बदलते हैं, मतदाता तो वही रहते हैं। हाँ, जो 18 वर्ष पूरा कर लेते हैं वे नए मतदाता
जुड़ जाते हैं, जो स्वर्ग सिधार जाते हैं, वे उनका नाम विलोपित कर दिया जाता है। बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र से मात्र 700 वोट से जीत हासिल करने वाले 2010 विधानसभा चुनाव में परचम लहराने वाले मदन सहनी का दूसरी बार 2015 में गौड़ा बौराम भेज दिया गया था। कारण महागठबंधन था, भोला यादव की यह पसंद की सीट थी, लेकिन मदन सहनी ने वहां भी परचम लहरा दिया। परिस्थिति बदली, इस बार राजद गठबंधन से अलग हुआ और भाजपा और जदयू फिर 2010 के स्थिति में मदन सहनी को बहादुरपुर का जिम्मा सौंपा गया है। सिंबल लेकर जदयू का जब वे लौटे तो कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश के साथ स्वागत किया। मदन सहनी 5 साल बाद पुनः विधानसभा का रास्ता इस बहादुरपुर को होकर तय करने के लिए उन्होंने कमर कसी है और चुनाव मैदान में है। कोरोना काल में यह चुनाव मायने है और कई उम्मीदें भी हैं। मदन सहनी मंत्री भी 5 साल से हैं। ने हमें सिंबल दिया है बहादुरपुर के लिए और अभी हम दौरा बारा विधानसभा से 5 साल प्रतिनिधित्व किए हैं। बिहार सरकार में मंत्री भी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम लोगों ने अच्छा काम किया है और बिहार सरकार ने जो 15 साल तक बिहार को आगे ले जाने का काम किया है, गरीबों का मान सम्मान बढ़ाया है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सड़कों का घर घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया है, किसानों को और नौजवानों को मजबूत करने का काम किया है। इस बार हमें बहादुरपुर से फिर से मौका दिया गया है। इससे पहले भी बहादुरपुर का हमने अच्छा काम किया है और यहाँ के लोग में हमारी छाप है और उनकी भी चाहत थी कि हम बहादुरपुर से फिर से प्रतिनिधित्व करें और यह सौभाग्य हमें दोबारा प्राप्त हुआ है। हमें आशा है कि बहादुरपुर के लोग हमें निश्चित रूप से इस बार भी अपना समर्थन देंगे। बात करते हैं कोरोना के ग्राफ की। कोरोना का ग्राफ 3300 के पार हो गया है, लगातार ये बढ़ रहा है। एक पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री भी कोरोना की चपेट में आ गए। कोरोना काल में चुनाव एक चुनौती है और इस चुनौती को स्वीकार कर रहा है प्रशासन और राजनीतिक जो पंडित हैं, राजनीतिक जो रणनीतिकार हैं, जो प्रेक्षक हैं और जो राजनीति के प्यारे हैं, लेकिन आम जनता इससे लगातार सफर कर रही है और ऐसे में दुर्गा पूजा हो या अन्य कोई महापर्व हो और कोरोना काल में चुनाव कराना एक प्रयोग ही कहा जा सकता, लेकिन कई सुरक्षा मानकों के साथ कोरोना में चुनाव कराने की तैयारी हो रही है, लेकिन कोरोना का भी लहर कहर बन बनकर बीच में उभरता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। हालांकि कोरोना से एक विधान पार्षद की मौत हो चुकी है दरभंगा में, 13 दरभंगा शहर में मौत हो चुकी है, 38 की मौत हो चुकी है। कोरोना का जो ग्राफ है वह 3351 के पास है। 216,042 कोरोना टेस्ट में यह आंकड़ा है। अब तक कोरोना से 38 लोगों की मौत के बाद 3171 लोग खुशकिस्मत है जिन्होंने कोरोना को मात दे दिया, परास्त कर दिया, जबकि 142 इससे संघर्ष कर रहे हैं। कोरोना का कहर गया नहीं है, बीच में दो लहर उठा, लेकिन उम्मीद यही कि कोरोना से लोग बच के निकले जब तक वैक्सीन नहीं आता। लेकिन जो इतिहास बताता है कि जिस समय स्पेनिश फ्लू आया था 1918 में और 1.5 साल तक यह रहा था और कई इसके लहर देखे गए थे, 5 करोड़ लोग सिर्फ भारत में मरे थे, 10 करोड़ लोग दुनिया से को अलविदा कह चुके थे, ये इतिहास है। और ऐसी परिस्थिति में कोरोना से लड़ना तो है, डरना भी है और सुरक्षा मानक अपनाना भी है, तभी हम जिंदगी की गाड़ी पटरी पर धीरे धीरे सही आगे ला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे लेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार।
एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैट 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरा सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। नामांकन के दूसरे दिन भी नहीं खुला खाता, अब सोमवार को ही संभावना। प्रेक्षक का पहुंचना शुरू, वे प्रेक्षक ने किया विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र का दौरा। दुर्गा पूजा में कहीं सार्वजनिक जगहों पर प्रतिमा नहीं बैठेगी, न लगेगा पंडाल, न बजेगा बाजा। कोविड-19 के तहत सरकार और निर्वाचन आयोग का गाइडलाइन का पूरा पालन करने का निर्देश। जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने पूजा समिति सदस्यों के साथ की बैठक। और इस बार पुनः बहादुरपुर से मैदान में उतरेंगे निवर्तमान मंत्री मदन सहनी। टिकट लेकर लौटे कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। बिहार दस्तावेज नवी संघ जिला शाखा दरभंगा के सचिव पद पर नीलम मणि उपराजू तथा अध्यक्ष पद पर कृष्ण मोहन सिंह निर्वाचित। बिहार दस्तावेज नवी संघ जिला शाखा के सचिव पद पर नीलमणि उर्फ राजू तथा अध्यक्ष पद पर कृष्ण मोहन सिंह सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए। इस अवसर पर एक सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे निबंधन पदाधिकारी मनेंद्र नाथ झा। संगठन को मजबूती का करने का काम करेंगे और कोशिश हमारी पूरी रहेगी कि हमारी जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, ऑफिस में कोई समस्या हुई उसको हम लोग मिलकर आपस में बैठ के निदान करेंगे। निर्वाचन पूर्वक हमारे सचिव और मैं जो जिला अध्यक्ष पद पर आया हूँ, इसके लिए मैं राष्ट्रीय ऑफिस के जो हमारे पदाधिकारी हैं उनको मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ। हृदय से उन्हें मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो इस निबंधन कार्यालय की कार्य संस्कृति को बेहतर बनाने की ओर दिन रात काम करें, इसको आगे लेकर जाएं। हमारे कार्य करने का यहाँ पे पब्लिक ऑफिस है, जनता का कार्यालय है, हयाल से कि आपने जनता के कार्य निष्पादन में कितना सहयोग दिया, उन्हें कितनी सहूलियत दी और उन्हें कितनी कम परेशानी दी। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित दरभंगा के 23 परीक्षा केंद्रों पर बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता का आयोजन किया गया शनिवार। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित जिले के 23 परीक्षा केंद्रों पर बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया। यह परीक्षा सुबह 9 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक चला। 2020 की परीक्षा हो रही है, कम्बाइंड कम्पिटिशन है। यह 437 बच्चे आज परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। 9 बजे से लेकर 5:30 बजे तक परीक्षा है। बीच बीच में इंटरवल भी है क्योंकि 3 ग्रुप की परीक्षा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी। अलग अलग बच्चे अलग अलग ग्रुप के हैं। 5:30 बजे तक परीक्षा। अगली कक्षा में प्रोन्नति सहित कई मांगों को समर्थन में एमएसयू की ओर से प्रदर्शन किया गया विश्वविद्यालय परिसर। बीएड में नामांकन के लिए फीस की बढ़ोतरी को कम करने, अगली कक्षा में प्रोन्नति देने सहित 5 सूत्री मांगों के समर्थन में मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने प्रदर्शन किया विश्वविद्यालय परिसर में। बीएड
17 सितंबर को हम लोग को कॉलेज नोटिस दिया था कि आप लोग को 35,000 वृद्धि शुल्क बीएड में देना होगा। इसके लेकर हम लोग 14 सितंबर को यहाँ यूनिवर्सिटी हम लोग आए और आंदोलन किए। यहाँ पर कुलपति तत्कालीन कुलपति यहाँ पर जो थे महोदय वो यहाँ पर नहीं थे, तो जो FA थे फाइनेंशियल ऑफिसर थे वो बोले 19 सितंबर को आप लोग का बात मान लिया जाएगा। हम लोग 19 सितंबर को आए तो यहाँ पर हम लोग आंदोलन करने के बाद हम लोग को एक नोटिस दिया गया जिसमें बोला गया कि तत्काल प्रभाव बाढ़ और COVID-19 को देखते हुए आप लोग को 35,000 शुल्क नहीं देना होगा। उसके बाद हम लोग जाकर फॉर्म भर लिए। फॉर्म भरने के बाद परीक्षा का 2 दिन डेट बचा हुआ तो फिर से नोटिस आता है एक दहेज पर्दा के तरह जो प्रताड़ित करता उस तरह कि आपको 35,000 शुल्क देना होगा तो ही एडमिट कार्ड मिलेगा, वरना आप लोग को एग्जाम से वंचित किया जाएगा। मिथिला विश्वविद्यालय में डिग्री 1-2 PG सेकेंड सेमेस्टर के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा प्रदर्शन का जो मुख्य मांग है कि विश्वविद्यालय प्रशासन बिना सोचे समझे अपने मुनाफे के चक्कर में छात्रों के जीवन को बर्बाद करने में लगी हुई है। आप देखिए कि लगातार कोरोना काल में लॉकडाउन चला है, कहीं कोई क्लास नहीं चले हैं, कॉलेज आज तक बंद हैं शिक्षा के मामले में, लेकिन विश्वविद्यालय राजभवन में अपने आप को अच्छा बताने के चक्कर में हमारा परीक्षा बिना सिलेबस खत्म करके लेना चाह रहा है और वो परीक्षा भी अपने पुराने फॉर्मेट में नहीं लेकर OMR सीट पर ले रहा है जिसमें ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की ओर से दरभंगा शहरी विधानसभा में वार्ड नंबर 15 के लक्ष्मी सागर निवासी लाल बाबू महतो ने चुनाव लड़ने की घोषणा की और जनता के बीच जनसंपर्क अभियान भी चालू कर दिया। आनंद किशोरी नगर वार्ड नंबर 15 के स्थायी निवासी हूँ। मैं दरभंगा शहरी विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर चुका हूँ। इस बार ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का प्रत्याशी भी घोषित कर दिया गया है, जो दरभंगा शहरी विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हूँ, जो जनता से मिलनसार होने के लिए चल दिए हैं और जा रहे हैं। जनता बहुत जोर शोर से कह रहे कि नहीं इस बार चुनाव में आ पाइए। PG सेकेंड सेमेस्टर का फीस माफ करने की मांग को लेकर छात्रों ने मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। नामांकन के दूसरे दिन भी नहीं खुला खाता, अब सोमवार को ही संभावना। प्रेक्षक का पहुंचना शुरू, वह प्रेक्षक ने किया विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र का दौरा। दुर्गा पूजा में कहीं सार्वजनिक जगहों पर प्रतिमा नहीं बैठेगी, न लगेगा पंडाल न बजेगा बाजा। COVID-19 के तहत सरकार और निर्वाचन आयोग का गाइडलाइन का पूरा पालन करने का निर्देश। जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने पूजा समिति सदस्यों के साथ की बैठक। और इस बार पुनः बहादुरपुर से मैदान में उतरेंगे निवर्तमान मंत्री मदन सहनी, टिकट लेकर लौटे कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखते हुए घर से बाहर निकलिए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, मास्क जरूर लगाइए, 2 गज की दूरी बनाइए। नमस्कार, जय हिंद।